सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। साथियों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको ये बताना चाहता हूँ मैं, दलितों के साथ किस तरीके से अत्याचार किया जाता है जेल के अंदर। ऐसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गए ऐसे, और उत्तर प्रदेश हो गया, और एक प्रदेश और है जहाँ पर दलित किसी चीज को लेकर प्रदर्शन करते हैं और उन लोगों को जब जेल के अंदर लेके जाया जाता है, मध्य प्रदेश की घटना है, जेल के अंदर जाया लेके जाता है, उसको मार दिया जाता है, मार के वो जब निकलता है तो उसकी मौत हो जाती है पुलिस। उसके बाद ऐसे एक जगह पे और जो कि पता नहीं, मेरे ख्याल से जो जयपुर की जो ये कहीं की घटना है, महाराष्ट्र की जो ऐसे कहीं की ये घटना है जहाँ पर एक दलित को पीटा भी गया और पीटने के बाद उसको बाथरूम पिलाया गया। ऐसे उत्तर प्रदेश की भी है घटना है, वहाँ पर भी इस तरीके से किया गया। अमेठी की वो शायद मेरे ख्याल से घटना है, वहाँ पर भी इसी तरीके से किया गया। ऐसे ऐसे लोगों की, चार लोगों की मौत हो चुकी है साथियों। तो आप लोगों से इतना मैं कह देना चाहता हूँ, मेरे पूरे बहुजन समाज के लोग, मैं मानता हूँ कि इस देश की जो सरकार है, गूंगी ये बहरी ये जो सरकार, वो अपने हाथ में चूड़ियाँ तो पहनी है, लेकिन हम नहीं चूड़ियाँ पहने हैं। हमारे ऊपर अगर आप अपने हक की अगर लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो, अगर दलित है, अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है, उसको तुरंत अंदर कर दिया जा रहा है, जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग अन्याय पे अन्याय किए जा रहे हैं, अन्याय पे अन्याय किए जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए किसी के माँ के दूध में दम नहीं है कि उनको पकड़ ले। अब आप लोग सोचिए, इस देश की बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता तो उसको कोई नहीं जाता पकड़ने के लिए, क्योंकि वहां से पैसे आता है साथियों। और दलित अपने हक की और इस संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मिटाते रहेंगे, ये हर वक्त मिटाने की कोशिश करते रहेंगे, हम मिटने नहीं देंगे। देखते हैं कि तुम्हारे में कितना पावर है, हमारे में कितना पावर। तो इस तरीके से चार मतलब हमारे दलित भाइयों के साथ इस तरीके से घटनाएं हुई। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर कहीं पर धरना देने जाए, प्रदर्शन करें, अगर कोई भी साथी गिरफ्तार होता है तो आप प्लीज़ आप लोग उसका जरूर देखभाल करें, क्योंकि कब ये हमें अंदर डाल दे इसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कहीं प्रदर्शन करें, कुछ भी करें, तो इस चीज़ पे थोड़ा जरूर अमल करें। और ये कह देना चाहता हूँ, इस देश की सरकार को जो संविधान को आरक्षण को ख़त्म करने की आप लोग ख़त्म करने की साजिश करते हैं, हम ख़त्म नहीं होने देते। तो ये कह देना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और अभी से क्या तुझे बता दूं ऐ आसमां क्या हमारे दिल में है। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय भीम।